वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज बातें करते हैं बांग्ला व हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय नायक प्रदीप कुमार की, जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय व लोकप्रिय गीतों की वजह से सिनेमा में अपनी एक खास जगह बनाई। मुगल बादशाह जैसा कद, शरीर सौष्ठव, गेहुआ रंग, छोटी सी मूंछ, चेहरे पर शाही अंदाज और विलक्षण आवाज के धनी प्रदीप कुमार ने अनारकली, ताजमहल व नूरजहां जैसे अनगनत ऐतिहासिक फिल्मों में कभी शहजादा सलीम बने तो कभी बादशाह शाहजहां। इतना ही नहीं, इन भूमिकाओं में वे इतने लोकप्रिय हुए कि हिंदी सिनेमा में उन्हें प्रसिद्धि मिली मुगल बादशाह के नाम से। प्रदीप कुमार का वास्तविक नाम था शीतल बटावली। जन्म हुआ था कलकत्ता के एक रूढ़िवादी बंगाली ब्राह्मण परिवार में 4 जनवरी 1925 को। प्रदीप कुमार शुरू से ही अभिनय के बेहद शौकीन थे। मात्र 17 साल की उम्र में अपनी इस इच्छा को जब परिवार के समक्ष उन्होंने रखा तो उनके इस फैसले का घोर विरोध हुआ। 1942 में कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे स्टेज व नाटकों से जुड़कर अभिनय करने लगे। उनके द्वारा अभिनीत पहला नाटक था मायेर खौर। कलकत्ता में रहकर कैमरामैन धीरेन डे के सहायक बनकर उन्होंने अपना करियर प्रारंभ किया। टेक्नीशियन व थिएटर अभिनय दोनों ही कामों को पूरी निष्ठा व लगन से इस कलाकार ने न केवल सीखा अपितु अपने किरदारों को बखूबी निभाया भी। नाटकों में अभिनय के दौरान उनकी मुलाकात हुई बांग्ला सिनेमा के जाने माने निर्देशक देवकी बोस से। साल था 1944। 1946 में कृष्णलीला और 1947 में अलोक नंदा जैसी बांग्ला फिल्मों से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। सामी, विष्णुप्रिया, सौंदावेला और रूप कथा में अभिनय के साथ साथ 42 और भूली नाई जैसी चर्चित फिल्में भी उन्होंने की। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पर आधारित फिल्म भूली नाई ने सिल्वर जुबली बनाई। परंतु बांग्ला फिल्मों का ये लोकप्रिय अभिनेता हिंदी सिनेमा में भी अभिनय करना चाहता था। यही वजह थी कि वे कलकत्ता से बम्बई आ गए साल 1949 में। बांग्ला भाषी होने के कारण बम्बई आकर उन्होंने अपनी हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं को परिष्कृत भी किया। सुप्रसिद्ध निर्देशक शशिधर मुखर्जी से मुलाकात के बाद प्रदीप कुमार फिल्मिस्तान से जुड़ गए। हिंदी सिनेमा में उन्होंने प्रवेश किया बंकिम चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित साल 1952 की फिल्म आनंद मठ से, जिसमें उनके साथ थे पृथ्वीराज कपूर और गीता पाली। फिल्म आनंद मठ कामयाब हुई। इतना ही नहीं, फिल्म में इस नए कलाकार की कला की प्रशंसा भी हुई। फिल्म में वंदे मातरम गीत बहुत हिट हुआ। यह लोकप्रिय देशभक्तिपूर्ण रचना आज भी राष्ट्रीय पर्वों पर हमें चहुं ओर सुनाई देता है। इस फिल्म के बाद इस कलाकार ने हिंदी सिनेमा को लगातार 2 म्यूजिकल हिट फिल्में दी, साल 1953 में अनारकली और साल 1954 में नागिन। दोनों ही फिल्मों को हिट बनाने में फिल्म के संगीतकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। संगीतकार सी रामचंद्र के संगीत ने फिल्म अनारकली को सुपरहिट बनाया, वही हेमंत कुमार के अप्रतिम संगीत ने फिल्म नागिन के गीतों को भी नई ऊंचाइयां दी। दोनों ही फिल्में आज भी अपने गीत संगीत और प्रदीप कुमार के अभिनय के लिए याद की जाती हैं। ऐतिहासिक फिल्मों में कहानी के अनुरूप प्रदीप कुमार ने मुगल किरदारों को पर्दे पर जरूर निभाया, परंतु ऐसा नहीं कि उन्होंने रोमांटिक हीरो की भूमिकाएं नहीं की। अपने समय की सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों में निम्मी, नरगिस, नूतन, पद्मनी, अनिता गुहा, वहीदा रहमान, आशा पारेख, बीना राय और वैजयंती माला के साथ हीर, जयश्री, अदालत, महाभारत, संबंध, राखी, ढूला मारू, घूंघट, तेरी सूरत मेरी आंखें, अनारकली, ताजमहल, नागिन और एक झलक जैसी फिल्मों में वे नायक के रूप में पर्दे पर नजर आए। अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ आरती, बहु बेगम, भीगी रात, नूरजहां, बंधन और चित्रलेखा, मधुबाला के साथ राजहट, यहूदी की लड़की, पुलिस, पासपोर्ट और माला सिन्हा के साथ नया जमाना, हेमलेट, बादशाह, डिटेक्टिव, फैशन, एक शोला, दुनिया न माने जैसी यादगार फिल्में भी की प्रदीप कुमार ने। विशांतराम की फिल्म सुबह का तारा और राज कपूर की फिल्म जागते रहो में भी वे एक अलग ही किरदार में नजर आए। अभिनेता ही नहीं, प्रदीप कुमार ने फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं भी की। संबंध, महबूब की मेहंदी, जानवर, आखिरी बाजी, रुखसत, रजिया सुल्तान वारिस, खट्टा मीठा जैसी कुछ यादगार फिल्मों में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं की। खास बात ये थी
कि दर्शकों ने उन भूमिकाओं में भी उन्हें पसंद किया। प्रदीप कुमार कुशल अभिनेता ही नहीं फिल्म निर्देशक भी बने। रहमान, नासिर हुसैन, शशिकला और वैजंती माला जैसे कलाकारों के साथ उन्होंने फिल्म बनाई दो दिनों की दास्तान। साल था 1966। प्रदीप कुमार को उनके अभिनय प्रतिभा के लिए साल 1999 में कलाकार अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 27 अक्टूबर 2001 को कोलकाता में बांग्ला व हिंदी सिनेमा का ये लोकप्रिय अभिनेता हमेशा के लिए चिरनिद्रा में सो गया। जानी अनजानी की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए। लाइक करके, शेयर करके और अपने कमेंट्स लिखकर फ्री सब्सक्राइब करके आज ही वाइटिंग एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ जाइए। शुक्रिया।